उत्तर प्रदेश में हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र में रविवार 25 फरवरी की रात दिल्ली मुरादाबाद रेल खंड पर रेल लाइन पर बैठे 7 लोग एक इंजन की चपेट में आ गए, जिससे 6 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि एक घायल हो गया। घटना रात करीब 9:15 बजे की है। राजकीय रेलवे पुलिस पिलखुआ प्रभारी सर्वेश खान ने बताया कि एक इंजन गाजियाबाद से हापुड़ की ओर से बैक आ रहा था। पिलखुआ स्टेशन के पास रेलवे पटरी पर बैठे 7 लोग उसकी चपेट में आ गए और 5 लोग आरिफ, सलीम, समीर, विजय और आकाश की मौके पर ही ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई, जबकि राहुल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के समय दूसरी पटरी पर हापुड़ की ओर से ट्रेन आ गई और इन लोगों को बचने का समय नहीं मिला। सभी मृतक पिलखुआ के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल एक युवा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।